वादा की रक्षा करने में नाकाम, मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एनआईए के बहाने मुसलमानों पर जुल्म करना प्रणाली की स्वतंत्रता पर मोदी सरकार हमला कर रही है और न्यायपालिका पर बीजेपी आरएसएस की कब्जा करने की साजिश रची जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोरनेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र की शुरुआत है और उससे पहले देख सकते हैं कि सीपीआई माले के द्वारा सदन में प्रदर्शन कराया जा रहा है। आप लोग किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? न्यायिक प्रणाली की स्वतंत्रता पर मोदी सरकार हमला कर रही है और न्यायपालिका पर बीजेपी आरएसएस की कब्जा करने की साजिश रची जा रही है। ये जो ईडब्ल्यूएस है स्वर्ण आरक्षण, इसके खिलाफ बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित हो, इस सवाल पर एनआईए के जरिए बिहार के और देश के मुसलमानों को तंग तबाह किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, उनकी रिहाई हो रही है, इस सवाल पे मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ भाकपा माले का ये विधानसभा में प्रोटेस्ट चल रहा है। आप लोग ईडब्ल्यूएस के भी खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, सवाल है कि अभी जो आरक्षण है, आरक्षण की सीमा बढ़ाया जाना चाहिए। ये आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी अभी भी दलितों और जो पिछड़े लोग हैं उनकी सामाजिक स्तर बहुत आगे नहीं बढ़ सकी है, इसलिए आरक्षण की दायरा बढ़े, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली में भी आरक्षण हो और इसके साथ साथ आरक्षण कम से कम 70% पिछड़ों और दलितों को मिलाकर होना चाहिए, ये हम मांग कर रहे हैं। सत्र में बात उठाइएगा ना आप लोग? बात उठा रहे हैं, बाहर उठा रहे हैं, सत्र में भी हम लोग उठाएंगे ही। हम लोग सरकार से आग्रह करेंगे और खास करके ये सवाल केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है और इसलिए यहाँ के माध्यम से हम केंद्र सरकार तक बात ले जाना चाहते हैं कि आरक्षण की दायरा बढ़ाया जाए। आरक्षण बिल्कुल, हम लोग तो चाहते हैं कि 70% आरक्षण हो, यहाँ के दलितों को, अति पिछड़ों को, पिछड़ों को सरकार 70% आरक्षण दे। ये दरअसल न्यायपालिका का सहारा लेकर के मोदी सरकार आरक्षण को ख़त्म करना चाहती हैं और हम समझते हैं कि ये संविधान के मूल भावना के खिलाफ में है, इसलिए आज हम लोग विरोध कर रहे हैं। आप लोग एनआई के जरिए आप लोगों को टारगेट किया जा रहा है? अब मैंने हम लोगों को तो नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो प्रगतिशील लोग हैं, अब जो चाहते हैं कि भाई भाईचारा हो, समाज में एकता हो, हमेशा इनको उन्माद की राजनीति करनी है, इसलिए इस तरह के ये मैंने मुद्दों को सामने ला करके एक 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 अभियान हमेशा इनका जिंदा रहता है। ठीक है, तो आपने साफ तौर पर देखा कि जो जिस तरह से शीतकालीन सत्र से पहले जो सीपीआई माले के विधायक हैं वो केंद्र सरकार के खिलाफ यानी कि बीजेपी के खिलाफ इन लोग सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरह से कहें तो इन लोग ईडब्ल्यूएस और जिस तरह से कहें तो एनआईए के जरिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए वो आज शीतकालीन सत्र में सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार को घेर रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि ये बात हम सदन में भी उठाएंगे और केंद्र सरकार तक अपनी बातों को रखेंगे। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ फोरनेशन के साथ। नमस्कार।